is quantity supply. So quantity supply हम कहते हैं कि इफ अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट क्वांटिटी सप्लाई इज चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस. तो ये जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. लाइक अगर आपके पास एक सप्लाई कर्व है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आता है, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है, अब हमने कहा था कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, प्राइस में जब इंक्रीज होगी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई. प्राइस डिक्रीज होगी उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई. फिर आ जाते हैं चेंज इन सप्लाई. चेंज इन सप्लाई क्या होता है, if price remain constant, if price remains constant and supply is changed due to the change in other factors. Other factors कौन से, like technology हो गया, government taxes हो गए, increase in price of raw material या decrease in price of raw material. तो इन factors में अगर किसी change की वजह से आपकी supply curve में change आता है तो अब प्राइस रिमेन कांस्टेंट है. लाइक फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, लिहाजा आपकी सप्लाई कर्व शिफ्ट आउटवर्ड, लाइक S1 से S2 पे चलेगी. तो अब उसी प्राइस पर हम ज़्यादा चीज़ें सेल करने के लिए तैयार है, उसी प्राइस पर ज़्यादा चीज़ें सेल करने के लिए तैयार है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई. ठीक है, इसी तरह अगर रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो उसी प्राइस पर हम ज़्यादा चीज़ें बेचने के लिए तैयार हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई. इसी तरह अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो उसी प्राइस पर हम, जाहिर बात है सप्लाई कम होगी तो हम पहले से कम चीज़ें सेल करने के लिए तैयार होंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई. के सप्लाई कर S2 से कम होकर S1 पर आ जाएगा, तो ये कहलाता है डिक्रीज इन सप्लाई. ठीक है, तो ये अगर प्राइस में जो सप्लाई में जो चेंज आएगा प्राइस की वजह से होगा तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और अगर ये अदर फैक्टर्स की वजह से तो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई.